हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन के लिए बिग अपडेट है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो थर्ड राउंड का वेट कर रहे थे या मिड एंट्री में अपना एडमिशन कराना चाहते थे, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो है बिग अपडेट रहने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग, थर्ड राउंड के रिगार्डिंग या मिड एंट्री के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन, फर्स्ट राउंड का जो यहाँ पे सीट एलोकेशन है इसके बारे में, इसके अलावा मिड एंट्री के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अपग्रेड विंडो क्या है, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को जो है अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है। अपग्रेड करने का जो ऑप्शन रहेगा आप सभी के पास, ये 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2024 तक शाम 5 बजे तक आपके पास जो है टाइम रहने वाला है। अब यहाँ पे जो अपग्रेड करने का ऑप्शन है, ये किस किस स्टूडेंट को अपग्रेड करना है, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आया था वो अपग्रेड करके सेकंड राउंड में गए थे और सेकंड राउंड में उनका जो एडमिशन है या किसी कॉलेज में हो गया लेकिन वो दोबारा से अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं है, वो भी यहाँ पर जो है अपग्रेड कर सकता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप अपने प्रीवियस राउंड रिजल्ट से, जो भी आपका राउंड टू रिजल्ट आया था उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो यहाँ पे आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड कर देने के बाद यहाँ पे आप सभी का जो अपग्रेड करने में जो ऑप्शंस रहेंगे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो अपग्रेड करने का ऑप्शन रहेगा ये राउंड फर्स्ट के और राउंड सेकंड के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप अपनी हाई प्रेफरेंस इसको भी यहाँ पे दोबारा से जो है अपग्रेड कर सकते हैं। किस तरह से आपको अपने कॉलेजेस को प्रेफरेंस करनी है ये यहाँ पर आपको पता होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जब अपने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेड एलोकेशन एंड राउंड फर्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम CWECA स्पोर्ट एंड वर्ड कोटा। इसके अलावा दोस्तों अपग्रेड करने के बाद जो आपके सीट एलोकेशन रहेगा इसका जो रिजल्ट रहेगा ये आपका जो कि 3 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन स्टूडेंट का यहाँ पे जो रिज़ल्ट है या जो राउंड थर्ड रहेगा वो यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी यहाँ पे केवल उनकी बात कही जा रही है जिनका लिस्ट, जिन्होंने अपनी सीट को अपग्रेड किया था। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या वो भी अपग्रेड कर सकते हैं या उनके लिए लिस्ट कब आएगी उसके बारे में भी बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरी एंड तक आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पर ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपग्रेड किया था, अपग्रेड में सबसे पहले यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड जो कोर्स रहने वाले, प्रोग्राम रहने वाले इनका, CW का, ECA का, स्पोर्ट एंड वर्ड कोटा का, इनका जो है फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है ये 3 सितंबर को शाम 5 बजे रिलीज़ किया जाएगा। इसके बाद रिलीज़ कर देने के बाद आप सभी को जो है अपनी सीट को एक्सेप्ट करना होगा 4 सितंबर शाम 5 बजे तक। इसके बाद यहाँ पे कॉलेज के थ्रू आप सभी को अप्रूव किया जाएगा 5 सितंबर 4:59 शाम के इतना टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:59 पे आपको जो है इतना टाइम आपको दिया जाएगा कॉलेज के थ्रू आपको। और जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन पेमेंट करने की ये 6 सितंबर 4:59 पे रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मिड एंट्री रहेगी, इसके बाद आप सभी की मिड एंट्री स्टार्ट होगी। सबसे पहले आप सभी के डैशबोर्ड में जितने भी या इनकी ऑफिशियल साइट पर जो है वैकेंट सीट की जो लिस्ट रहेगी वो यहाँ पर डिक्लेयर की जाएगी। वैकेंट सीट की जो लिस्ट है जिसमें किस कॉलेज में या किस कोर्स में भी कितनी सीट बाकी है उसकी डिटेल देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग जो है मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मिड एंट्री को जानने से पहले, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकंड राउंड के लिए, जिन्होंने सेकंड राउंड में जिनका नाम आया था, जिन्होंने सीट को अपग्रेड किया था, उनके लिए बिग अपडेट ये है कि यहाँ पर जब आपका रिज़ल्ट आएगा 3 सितंबर को, तो यहाँ पे आपके जो भी सीट रहेगी वो ऑटो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका फ़ीस पेमेंट रहेगी वो आपको पे कर देनी होगी और यहाँ पे आपको जो है उसके बाद अपग्रेड करने का आई थिंक ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फेज़ के जितने भी स्टूडेंट या सेकेंड राउंड के जितने भी स्टूडेंट थे उनको भी यही जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी कि उनकी जो सीट थी वो ऑटो सबमिट हो जाई थी और यहाँ पर उनको जो है फ़ीस पे करनी पड़ रही थी। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट है ध्यान रखना, आप सभी के जो सीट है ये ऑटो यहाँ पे सबमिट होने वाली है, तो उसके यहाँ पे आप अपने डैशबोर्ड में जो है लॉगिन करके देखते रहना। मिड एंट्री के बारे में यहाँ पे आपको बताया कि आप सभी की मिड एंट्री की जो अप्लाई करने का जो टाइम पीरियड रहेगा
7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर शाम 4:59 तक रहेगा। इतने टाइम पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मिड एंट्री क्या है? मिड एंट्री दोस्तों उसको कहते हैं ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने CSAS का फॉर्म फिल नहीं किया था या दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेस 1 कम्प्लीट करके फेस 2 के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो है मिड एंट्री रहने वाली है। आप सभी लोगों के लिए जो है दोबारा से फॉर्म को ओपन किया जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ आपको जो है पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंड रहेगा, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैंडिडेट हु गोट रिजेक्टेड इन फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट या मैपिंग नॉट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबल आल्सो बी एबल टू करेक्ट देयर सब्जेक्ट मैपिंग एंड एडिट देयर प्रेफरेंस थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री। ऐसे कोई स्टूडेंट जिसका फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन हुआ था, सेकेंड राउंड में रिजेक्शन हुआ था, या फिर उसने कोई सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होते हैं इसको गलत चूज़ कर लिया था, या जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रहती है उसने चेक नहीं की थी, तो वो सभी स्टूडेंट जो है मिड एंट्री के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मेजर चेंजेस रहने वाला है। कैंडिडेट हुआ नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम और एनी डिक्लेरेशन मिड एंट्री विल बी आल्सो टू एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंस फ्रॉम 5 PM सैटरडे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको बता दिया है कि 7 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रेफरेंस उसमें कुछ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ पे चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं न्यू फॉर्म जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में अगर आपका रिजेक्शन हुआ है तो भी यहाँ पे आप जो है मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है मिड एंट्री के बारे में आपको बता दिया गया है कि मिड एंट्री के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और थर्ड राउंड का यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि थर्ड राउंड के बेस पैसे जितने भी स्टूडेंट होंगे जिनका भी नाम नहीं आया किसी भी लिस्ट में, उनकी जो यहाँ पर लिस्ट रहने वाली है वो 9 सितंबर शाम 5 बजे मंडे को जो है यहाँ पर लिस्ट रिलीज़ की जाएगी। मीन्स उनका जो लोकेशन का थर्ड राउंड का जो लिस्ट रहेगा ये यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। रिलीज़ कर देने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर शेड्यूल दिया गया, शेड्यूल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 सितंबर तक आप सभी के पास जो है सेकंड राउंड या जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका थर्ड राउंड में एडमिशन होना है उन सभी के पास जो है 11 सितंबर तक यहाँ पे आप सभी के पास थर्ड राउंड का जो रिजल्ट रहेगा ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 13 सितंबर तक आप सभी के पास जो है टाइमिंग रहने वाली है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और 14 सितंबर तक आप सभी को जो है कॉलेज के थ्रू अप्रूव कर दिया जाएगा। 15 सितंबर तक आप सभी को अपने ऑनलाइन कोर्स की जो है फ़ीस पे कर देनी है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट थे ध्यान रखना दोस्तों जिनका थर्ड राउंड में, मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करके या सेकंड राउंड में अपग्रेड करके थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड करते हैं तो उनकी जो लिस्ट रहेगी उनका जो रिज़ल्ट रहेगा ये 3 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा रिजल्ट, तो इनका ध्यान रखना है। और ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जो थर्ड राउंड के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल है जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आई थिंक यहाँ पे 9 सितंबर की जो लिस्ट रहेगी 9 सितंबर का डेट रहेगा अपने एलोकेशन इसके डेटा के बेस पे, तो उसका जो रिज़ल्ट रहेगा अपने डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं 3 सितंबर के बाद अपना जो डैशबोर्ड है उसको रेगुलर चेक करते रहें कि आप सभी को अपग्रेड करने का ऑप्शन है या कोई सीट एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमने सीट एक्सेप्ट नहीं देखी, हमारा सीट एलोकेशन छूट गया या हमने पेमेंट नहीं किया, तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आप सभी को देनी थी। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।